कार के बहुत ज़्यादा नज़दीक आई तो मैंने इसको देखा कि हल्का सा टेढ़ा है, क्योंकि ये तीन टुकड़ों में बना है और इसको तीन लोगों ने मरवाया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये टेढ़ा हो गया है। और जो कि आपको इस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है आपको कि किस तरीके से, और जो ये आपको लो स्तंभ दिख रहा है आयरन पिलर, वो इसको जो हमारे जो लुप्त वंश थे उसकी याद में इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। पहले यहाँ नहीं था, इसको कहीं से ला के यहाँ पर स्थापित किया उनकी याद में, उनकी वंश को याद करते हुए यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। और इसके सामने इसको स्थापित किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस तो आप यहाँ पे सीधा इसको देख सकते हैं कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार सही में हल्का सा ये टेढ़ा है, क्योंकि जो यहाँ पे इस हमारा आयरन पिलर है वो बिल्कुल आपको सीधा नज़र आ रहा है हमारी वीडियो में, लेकिन जो कुतुब मीनार है वो हल्का सा टेढ़ा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो आप गेट देख रहे हैं, जो वहाँ पे आप थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ सब जगह आपको गेट दिख रहे हैं। और पहले मैं आपको इसमें एक राज की बात बताती हूँ। ये राज की बात ये है कि इसमें एंट्री इसलिए नहीं होती क्योंकि जब 4 दिसंबर 1984 को इसमें एक हो गया था हादसा, जब हादसा हुआ था इसमें, तो हादसा ये हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आए थे और इसके अंदर पहले फर्स्ट फ्लोर जो आपको दिख रहा है वहाँ तक जाने की अनुमति थी। और जो इसका अंदर का जो जीना है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसमें सिर्फ दो जने ही आ जा सकते हैं, इतना ही स्पेस है। और अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और जहाँ जब वो बच्चे ऊपर गए थे और वहाँ पे लाइट के ख़राब होने की वजह से, जब इसमें लाइट ख़राब हुई थी तब उसके बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गए थे, और उन्होंने पैनिक के चक्कर में उतरने वहाँ से जब जल्दी वो उतरना चाह रहे थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जीने पे से बहुत सारे लोग जो उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जो जीना था वो भी बहुत सारा था, उस पर से उतरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए जब वो उतर रहे थे तो बहुत बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ये गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद है। और माना जाता है कि जो भी इसमें आप दोबारा जाने की कोशिश करता है तो उसको आत्मा जैसा फील होता है। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, आपको क्या लगता है कि क्या शायद इसमें आत्मा है? बट आपको इतना तो ज़रूर पता ही होगा, जब हम एक खाली रूम में जाते हैं और हम अगर छोटी सी भी कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो डबल साउंड देती है, और जब डबल साउंड देती है तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वहाँ पर है। और शायद ही इन गार्ड को ऐसा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी है, तो उनके अकेले जाने की वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि हमारे पीछे या हमारे आसपास कोई है, इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भूतों का साया है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भूतों का साया होता तो शायद हम इसको देखना ही शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सच में भूतों का साया है? आप जल्दी से कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको जो भी आपकी राय है आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो 1984 में यहाँ पर कुतुब मीनार देखने आया था वो जल्दी से कमेंट कीजिए।